ईरान ने अमेरिका से लिया जनरल सुलेमानी के खातिमे का बदला। इराक में अमेरिकी फौज के कैंप पर 22 मिसाइलों से किया हमला। ईरान ने हमले में 20 अमेरिकी फौजियों के मारे जाने का किया दावा। मरने वालों की तादाद 80 तक पहुंचने की भी आ रही खबरें। बोले ईरान के सुप्रीमो आयतुल्ला खामिनी, अमेरिका अगर आंख उठाकर देखने की करेगा जुरात तो दिया जाएगा ऐसे ही करारा जवाब। हमले के बाद अमेरिका के व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। बोले ट्रंप ऑल इज वेल, कहा मारा गया जनरल सुलेमानी, अमेरिका पर हमले की कर रहा था तैयारी। सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने अमेरिकी फौज को करार दिया आतंकवादी। पार्लियामेंट में भी पास हुआ बिल। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ मुसाफिर बरदार तैयारा। तैयारे पर सवार सभी 167 मुसाफिरों के साथ 9 क्रू मेंबर्स की भी हुई मौत। तेहरान से उड़ान भरने के चंद ही मिनटों बाद हादसे का हुआ शिकार। दूर दूर तक बिखरा नजर आया मलबा। तैयारे के इंजन में लगी थी अचानक आग। तेहरान से यूक्रेन की दारुल हुकूमत क्यू के लिए तैयारे ने भरी थी उड़ान। मरकजी हुकूमत की कई गलत पॉलिसियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों के साथ बाएं मास की तंजीमों ने आज भारत बंद की दी थी कॉल। मुल्क भर की कई रियासतों में किए गए एहतजाजात। कई सियासी और समाजी तंजीमों ने बंद को दी हिमायत। हावड़ा में एहतजाजियों ने रोकी ट्रेन। 190 लोकल ट्रेनों को किया गया रद्द। मगरबी बंगाल में बंद को लेकर मचा बवाल। मालदा में एहतजाजियों ने सड़क पर लगाया जाम। 20 सड़क आगजनी कर किया गया एहतजाज। बोली वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी, बंद के मकसद काम करते हिमायत लेकिन 20 सड़क टायर जलाने का नहीं। कई तंजीमों ने सड़कों पर उतर कर दर्ज किया अपना एहतजाज। सरकार की गलत पॉलिसियों की जमकर की तनकीद। मुल्क भर में जगह जगह बंद का नजर आया असर। त्रिपुरा में सीएए के खिलाफ गैर मुआयना मुद्दत के लिए धरने पर बैठ गए बीजेपी इत्यादी पार्टी आईपीएफटी के साथ कई एक दीगर तंजीमों से जुड़े लोग। ज्वाइंट मूवमेंट अगेंस्ट सीएए का दिया गया नाम। कारकुनान ने अपनी कमीज उतार कर दर्ज किया अपना एहतजाज। बोले मुजाहिरीन त्रिपुरा में हरगिज सीएए को नहीं होने देंगे नाफिस। जेएनयू में तलबा और असातिज़ा पर हुए हथियारों से लैस निकाबपोश गुंडों के हमले के खिलाफ एहतजाज में शामिल हुई मशहूर बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण। एहतजाज में तलबा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर एकजहती का दिया पैगाम। दीपिका के एहतजाज में शामिल होने की चौतरफा की जा रही पजीराई तो एक तबका पब्लिसिटी स्टंट और फिल्म प्रमोशन से कर रहा है ताबीर। कन्हैया कुमार ने भी शिरकत कर अपने अंदाज में की नारेबाजी। केरला में सीएए के खिलाफ एहतजाज के सामने आया अनोखी तस्वीर। सैकड़ों आम शहरियों ने सीएए हिमायत में बीजेपी की डोर टू डोर मुहिम चलाने वालों के लिए अपने घरों के बाहर पोस्टर चस्पा कर दिया पैगाम। लिखा दस्तूर मुखालिफ है नया शहरियत कानून, बराए करम सीएए की हिमायत में वजाहत करने हमारे घरों में न आए बीजेपी और आरएसएस के कारकुनान। केरल में बीजेपी की सीएए हिमायती रैली के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह वाले पोस्टर पर छिड़ा घमासान। सीएए हिमायत वाले पोस्टर पर इंडिया की स्पेलिंग ही नजर आई गलत। खुद बीजेपी एमपी नरेंद्र कुमार कटिल और एमएलए ही थामे हुए थे बैनर। सोशल मीडिया पर जमकर कसा जा रहा है तंज। इंडिया की स्पेलिंग तक नहीं मालूम और सीएए की हिमायत में कर रहे हैं एहतजाज। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है मैसेज। मगरबी बंगाल के बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने एक एम्बुलेंस के साथ किया बदतरीन सलूक। 20 सड़क एहतजाज में खिताब के दौरान पहुंची एम्बुलेंस को रास्ता देने से किया साफ इनकार। इमरजेंसी एम्बुलेंस को वापस लौटने पर किया मजबूर। टीएमसी पर लगाया एम्बुलेंस को इसी रास्ते से जानबूझकर भेजने का इल्जाम। चौतरफा की जा रही है तनकीद। सीएम मुखालिफ एहतजाज में कई बार सामने आया था एम्बुलेंस को रास्ता छोड़ने का खूबसूरत मंजर। পেছন দিক দিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে পাঠান, অনেক রাস্তা আছে, লোক বসে আছে অনেক লোক, সব রাস্তা খালি আছে, ওদিকে ঘুরিয়ে নিতে বলুন।